सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और ssc.nic.in पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम गूगल पे जाएंगे और इस पर हम सर्च करेंगे और इसके बाद हम ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हो रहा है, उसी पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद एडमिट कार्ड हम किसी भी रीजन का चेक कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे और इसके बाद हम इसको किसी भी नॉर्थन रीजन का हो, ईस्टर्न रीजन का हो, हम चेक कर सकते हैं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर सॉर्ट किया गया है, अभी साइड में बहुत ही प्रोसेसिंग चल रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, यहाँ पर जाएंगे और वापस से हम एडमिट कार्ड स्टेटस पर क्लिक करेंगे। बेसिकली आप लोग यहीं से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेंगे। आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और या कैंडिडेट नेम या डेट ऑफ बर्थ भर के आप डाउनलोड कर सकते हो, कैप्चर कोड भर के। डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे आप, उसके बाद कैप्चर कोड भर देंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। स्टेटस चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हैं। बस लास्ट यहीं तक देखना है।